पिछले कुछ सालों में इंडिया को छोड़कर काफी सारी कंपनीज गई हैं, लेकिन दो कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने एंट्री ली है यहाँ पर, यानी कि कोरिया की किया और फ्रांस की सिट्रोएन। अब देखा जाए तो दोनों ही ब्रांड्स पे काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे दोनों ही ब्रांड्स मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में दोनों ही ब्रांड्स की अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू है और दोनों ही ब्रांड्स इंडिया के लिए विदेशी ब्रांड्स हैं। लेकिन इंडियंस की नज़रों में इन दोनों ब्रांड्स की सिमिलैरिटीज यहीं पर खत्म हो जाती हैं, क्योंकि 2019 वो साल है जब किया सेल्टोस को लॉन्च किया गया था और इस गाड़ी की अपने लॉन्च से पहले ही 30,000 बुकिंग हो गई थी और एक साल खत्म होने तक इस गाड़ी की 1,00,000 यूनिट्स भी बिक गई थी। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरे नए फॉरेन ब्रांड की बात करें, यानी कि सिट्रोइन की, तो उन्होंने 2022 के पूरे साल में सिर्फ 6,134 यूनिट्स ही बेची थी। ये कार्स की संख्या इतनी कम है कि सिट्रोइन 2022 के पूरे साल में 14th नंबर पर आती थी गाड़ियां बेचने के मामले में। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर लोग सिट्रोइन की कार्स को लिटरली खरीद ही नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिट्रोइन की जो फ्लैगशिप कार है, यानी कि सिट्रोइन C5 Aircross, उसकी सिर्फ 20 से 22 यूनिट्स ही सेल हो रही हैं पूरे महीने के अंदर। अब चलो आप ये बोल सकते हो कि सिट्रोइन की C5 एक महंगी कार है, इसलिए शायद लोग उतना नहीं ले रहे होंगे उसको। लेकिन बहुत रिसेंटली सिट्रोइन ने C3 भी लॉन्च करी थी और देखने में ये मिल रहा है कि ये गाड़ी भी अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा खराब परफॉर्म कर रही है, क्योंकि जहाँ पर पंच और आई10 जैसी गाड़ियों की 10,000 यूनिट सेल हो जाती हैं एक महीने के अंदर, वहीं सिट्रोइन C3 की सिर्फ 800 से 900 यूनिट्स ही सेल हो पा रही हैं। इवन तो सिट्रोइन ने इसको सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से काफ़ी सस्ता रखा है। अब हो सकता है कि आप ये सोचें कि सिट्रोइन तो इंडिया के अंदर एक नया ब्रांड है, इसीलिए हम इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं सेल्स के मामले में। और अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, देन यू नीड टू रीथिंक अबाउट योर लॉजिक, क्योंकि इंडिया ऐसी मार्केट है जहाँ पर बिना ट्राइड एंड टेस्टेड गाड़ियों की भी लाखों प्री बुकिंग्स हो जाती हैं, और फिर सिट्रोइन तो 100 साल पुराना ब्रांड है। तो बॉस, फिर प्रॉब्लम आ कहाँ पर रही है? क्यों सिट्रोइन इंडिया के अंदर अपनी गाड़ियों को उम्मीद के हिसाब से नहीं बेच पा रहे हैं? अब इस सवाल के कई जवाब हैं, जैसे एक पूरा का पूरा गलत सेगमेंट चूज कर लेना अपनी गाड़ी के लिए, या इंडिया के अंदर कस्टमर की डिमांड को ना समझना, या फिर आफ्टर सेल सर्विस के लिए टच पॉइंट्स की बहुत तगड़ी कमी होना। और इस वीडियो के अंदर हम इन सभी मुद्दों के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो 7-सीटर क्रेटा राइवल SUV सिट्रोइन लेकर आने वाले हैं, वो इस कंपनी की किस्मत बदल पाएगी या नहीं। चलो समझते हैं। सिट्रोइन ने 2021 में पहली बार अपना प्रोडक्ट C5 Aircross इंडियन मार्केट में लॉन्च करा था, बट ये सिट्रोइन की पहली एंट्री नहीं थी इंडिया के अंदर। इससे पहले भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिट्रोइन 2 बार इंडिया के अंदर आके वापस जा चुकी है। सिट्रोइन एक सेंचुरी पुरानी फ्रेंच कार मेकर है, जिसकी शुरुआत 1919 में आंद्रे सिट्रोइन ने करी थी, और 1976 में सिट्रोइन और एक दूसरी फ्रेंच कंपनी पर्जो का मर्जर हो गया था, जिसके बाद इनकी एक पेरेंट कंपनी डेवलप हुई थी जिसको बोला जाता है PSA ग्रुप। और अगर हम इंडिया में चैप्टर खोजे सिट्रोइन के, तो 1995 वो साल है जब प्रीमियर ग्रुप के साथ सिट्रोइन ने मिलकर पार्टनरशिप करी थी और उन्होंने पर्जो सिट्रोइन 309 गाड़ी इंडिया के अंदर लॉन्च करी थी। लेकिन 1998 वो साल बना जब सिट्रोइन को देश छोड़कर जाना पड़ा ड्यू टू लेबर प्रॉब्लम्स और पुअर डीलर सर्विसेज की वजह से। लेकिन अगेन 2011 के अंदर PSA ग्रुप इंडिया के अंदर एंट्री लेता है और वो यहाँ पर प्लांट लगाता है गुजरात के अंदर। लेकिन तब तक यूरोप में फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते PSA ग्रुप को काम रोकना पड़ जाता है। लेकिन बहुत ही रिसेंटली, यानी कि 2021 में PSA ग्रुप को स्टेलेंटिस द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है, और स्टेलेंटिस अपनी इस सब्सिडियरी को इंडिया में लॉन्च करने का सोचते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी जो इंडिया के मासेस को सर्व कर रही हो सिंस द डिपार्चर ऑफ फिएट। हाँ, जीप मिलती है यहाँ पर जो कि स्टेलेंटिस की कंपनी है, लेकिन आप सब लोग जानते ही हो जीप को कितने लोग लेते हैं और कौन लोग ले पाते हैं। और इसी के साथ सिट्रोइन अप्रैल 2021 में इंडिया के अंदर अपनी पहली गाड़ी यानी कि C5 Aircross को लॉन्च कर देती है। C5 Aircross एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV है जो कि 2 लीटर के डीजल इंजन के साथ आती है, और ये 177 हॉर्स पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। अब अगर हम C5 Aircross की सेल्स के बारे में बात करें, तो अप्रैल 2022 वो महीना था जब इस गाड़ी की सबसे ज्यादा सेल्स हुई थी, यानी कि 235 यूनिट्स की, और ये पहली और आखिरी बार था जब इस गाड़ी की इतनी सेल्स हुई हो, वरना इस गाड़ी की 100 यूनिट से ज्यादा तो कभी भी नहीं बिकी। इनफैक्ट अप्रैल 2022 के बाद से तो इस गाड़ी की 50 यूनिट भी नहीं बिकी है पर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो। और आज इस SUV को लॉन्च हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, और इसी पीरियड के अंदर सितंबर 2022 में इसका फेसलिफ्ट भी आ गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक इस गाड़ी की सिर्फ 2000 यूनिट्स ही सेल हुई हैं। अब इससे हमें ये तो समझ में आ गया है कि C5 Aircross इंडिया के अंदर सेल्स के मामले में तो फेल हुई है बॉस, लेकिन इसके रीजंस क्या थे? सो इसका सबसे बड़ा रीजन है रॉन्ग सेगमेंट के अंदर एंट्री लेना। एक्चुअली देखा जाए तो सिट्रोइन ने इंडिया के अंदर एक गलत ही प्रोडक्ट के साथ एंट्री ले ली है, क्योंकि जिस सेगमेंट के अंदर इन्होंने अपनी गाड़ी लॉन्च करी है ना, उसमें वैसे भी कोई सेल्स नहीं होती गाड़ियों की। अगर हम C5 Aircross के कॉम्पिटिटर्स की बात करें, तो इसके अंदर आती हैं Volkswagen की Tiguan, Hyundai की Tucson, Skoda की Kodiaq और Jeep की Compass जैसी गाड़ियाँ जो कि इस सेगमेंट के अंदर फॉल होती है। और यहाँ पर अगर हम 2023 के मार्च के महीने में इन सभी मॉडल्स की सेल्स को कंपेयर करें, तो Hyundai जो इंडिया के अंदर दूसरे नंबर पर आती है गाड़ियाँ बेचने के मामले में, उसकी Tucson की सिर्फ 581 यूनिट्स ही सेल हुई थी, Kodiaq की 416, Compass की 395
और टिगुआन की सिर्फ 132 यूनिट्स ही सेल हुई थी। अब आप पूछोगे कि भाई इस सेगमेंट की सेल्स इतनी कम है क्यों आखिर? तो बॉस, इनकी सेल्स इतनी कम होने का कारण है इनकी प्राइसिंग। अगर आप इस सेगमेंट को ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर जो ज्यादातर मॉडल्स आते हैं उनका प्राइस 30 से 40 लाख के बीच में है, कुछ का नहीं है लेकिन ज्यादातर का है। और इस प्राइस पर ये कंपनियां इन गाड़ियों को क्रॉसओवर एसयूवी की तरीके से इंडिया के अंदर मार्केट करती हैं। लेकिन बॉस, इस प्राइस पर टोयोटा फॉर्चूनर और एमजी ग्लॉस्टर जैसी गाड़ियों के बेस मॉडल मिलना चालू हो जाते हैं, और हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर एक अच्छी प्रेजेंस वाली गाड़ी की डिमांड कुछ ज़्यादा ही होती है। और अगर मैं स्पेशली बात करूँ फॉर्चूनर की, तो इस गाड़ी ने तो हल्ला काट रखा पूरी मार्केट के अंदर। इसकी सेल्स इतनी ज़्यादा होती है कि ये हैचबैक से कंपेरेबल है बिकने के मामले में। तो ये तो रहा वो रीज़न जिसके चलते सिट्रॉइन C5 को इतने कम लोग ले रहे हैं, यानी कि गलत सेगमेंट में एंट्री लेना। लेकिन एक और रीज़न है जिसके चलते ये गाड़ी काफ़ी कम बिक रही है, और वो है इसके प्राइसिंग का ज़्यादा होना अपने सेगमेंट के अंदर भी। क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस गाड़ी का प्राइस अपने सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से भी ज़्यादा है, एक्सेप्ट कोडियक। अब सिट्रॉइन C5 का प्राइस तो ओवर है, लेकिन ये क्रीचर कंफर्ट्स में और अपनी लग्जरी के एस्पेक्ट में भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि इंडिया के अंदर लोग गाड़ी लेते टाइम कुछ अलग ही सोच लेके चलते हैं, सो जो है सो है। खैर, अब ये तो रही सिट्रॉइन की प्रीमियम गाड़ी की बात, लेकिन अगर हम उनकी मास मार्केट कार की बात करें तो उसकी भी हालत काफ़ी ख़राब दिखाई पड़ती है, और उसका रीज़न है इंडिया की ऑडियंस को गलत जज करना। सितंबर 2022 में सिट्रॉइन ने C3 को लॉन्च करा था इंडिया के अंदर, और उसको एक प्रीमियम हैचबैक की तरीके से मार्केट करा था। हाँ, वैसे लाइक अदर ब्रांड, सिट्रॉइन को इसे SUV बोलना चाहिए था, लेकिन वो शायद जानते हैं कि हर फुली हुई हैचबैक SUV नहीं होती। खैर, डायमेंशन के मामले में ये गाड़ी सुजुकी स्विफ्ट, बलिनो और टाटा अल्ट्रोस जैसी गाड़ियों के आसपास ही रहती है, लेकिन C3 का व्हील बेस बलिनो से ज़्यादा है, जिसके चलते रियर सीट पर डिसेंट लेग रूम मिल जाता है, जो कि इसको काफ़ी कंफर्टेबल बनाता है। अब अगर हम C3 की प्राइसिंग की बात करें तो इंडिया के अंदर इस गाड़ी का बेस मॉडल 6,16,000 का मिल जाता है एक्स शोरूम प्राइस पर। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर ये सब कुछ देने के लिए ना सिट्रॉइन ने फीचर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करा है। एक लाइन में कहूँ तो सिट्रॉइन के अंदर जो 10 इंच की डिस्प्ले आती है ना बीच में, उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर कोई भी फीचर नहीं मिलता है आपको, जो कि इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में आराम से मिल जाता है। इनफैक्ट मैनुअल ORVM और फ्लैप वाले डोर हैंडल्स तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आज से 15 साल पुरानी गाड़ियों में आया करते थे। इसके अलावा इसके अंदर रियर कैमरा भी नहीं दिया गया, रियर विंडो वाइपर नहीं है, और इसके अंदर IRVM भी बड़ा बेसिक सा दिया हुआ है। यानी कि ऑल इन ऑल सिट्रॉइन ने अपनी गाड़ी का प्राइस तो कॉम्पिटिटिव रखा है, लेकिन इस प्राइस पर वो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट नहीं दे पाए, और उन्होंने फंक्शनैलिटीज पर ज़्यादा फोकस करा है फीचर्स के मुकाबले। यानी कि ये बोलना गलत नहीं होगा कि वो काफ़ी हद तक इंडिया की ऑडियंस को समझ नहीं पाए हैं अभी तक, और इसका रिजल्ट ये निकला है कि इस कार की सेल कंपटीशन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है, जैसा मैंने इंट्रो के अंदर भी बताया था। अब देखा जाए तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ही अकेला रीज़न नहीं है जिसके चलते किया जैसा ब्रांड इंडिया के अंदर नया नया आया था फिर भी इतना सक्सेसफुल हो पाया, लेकिन सिट्रॉइन स्ट्रगल कर रहा है सेल्स के मामले में। क्योंकि इंडिया के अंदर किया के चीफ सेल्स ऑफिसर के अनुसार किया का इंडिया में सक्सेसफुल होने का की रीज़न है कस्टमर टच पॉइंट्स, जो कि ओवरऑल इंडिया के अंदर किया के बायर्स को व्हीकल्स की सेल से लेकर सर्विस तक सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। किया के पास ऑल ओवर इंडिया में 339 टच पॉइंट्स हैं, जो कि अगर एक नए ब्रांड के हिसाब से देखा है तो बहुत ही ज़्यादा है। एक्चुअली ये कुछ पुराने ब्रांड से भी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम वहीं सिट्रॉइन की बात करें तो उनके पास सिर्फ 30 डीलर्स हैं इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर। इंडिया बहुत बड़ा है भाई। अब यहाँ पर वही बात आती है कि अगर आपके पास कार है तो उसकी सर्विस भी तो करानी होगी, और वो बंदा कहाँ जाएगा कराने। खैर, अब एक चीज़ तो है कि हो सकता है फिलहाल चीज़ें सिट्रॉइन के फेवर में ना दिखाई दे रही हों, लेकिन वो काम ज़रूर कर रहे हैं ताकि इंडिया के अंदर उनकी प्रेजेंस ठीक हो पाए, और इसीलिए वो इंडिया में अपने व्हीकल्स की पोर्टफोलियो को मजबूत करने वाले हैं और डीलर के नेटवर्क को भी डबल करने वाले हैं। सिट्रॉइन ने अनाउंस कर दिया है कि अगस्त 2023 तक उनके ऑल ओवर इंडिया में 60 टच पॉइंट्स हो जाएंगे, और 2024 तक उनका टारगेट है 100 तक पहुंचने का। और ये सब उन्होंने तब कहा है जब 27 अप्रैल को उन्होंने अपनी नई गाड़ी यानी कि C3 एयरक्रॉस को इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। हाँ, ये वो गाड़ी है जो कि क्रेटा को टक्कर देने वाली है, और इसके अंदर 7 सीट्स का ऑप्शन भी दिया जाएगा, जो कि इस सेगमेंट के अंदर फर्स्ट होगा। अब अगर मुझसे आप पूछोगे कि इसका भविष्य क्या होने वाला है, तो मैं ये मानता हूँ कि सिट्रॉइन इस बार एक सही सेगमेंट के अंदर दाव खेल रही है, और मेरा मानना ये है कि ये डेफिनेटली सिट्रॉइन की बाकी गाड़ियों से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी इन टर्म्स ऑफ सेल्स। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि सिट्रॉइन ने इस गाड़ी के साथ भी वही स्ट्रेटजी अपनाई है, यानी कि फंक्शनैलिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया है और फीचर्स पर बहुत कम। और मैंने ये देखा है कि इस सेगमेंट के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ मिलती हैं उनमें अंधाधुंध फीचर्स होते हैं, एक अच्छे म्यूजिक सिस्टम से लेकर अब तो इन गाड़ियों के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स भी आने लग गई है, और सिट्रॉइन अभी भी एक बड़ी स्क्रीन और एक दूसरी स्क्रीन देने में लगे पड़े हैं। खैर, आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर सिट्रॉइन इसको अच्छे कॉम्पिटिटिव प्राइस पर लेकर आएंगे ना, तो ये सच में अच्छा मुकाबला दे पाएगी बाकी गाड़ियों को अपने सेगमेंट के अंदर।
अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल विद द बेल आइकन। बेल आइकन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आप सिट्रॉइन की नई C3 एयरक्रॉस को लेना भी कंसीडर करेंगे या नहीं। थैंक यू।